हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। बात करेंगे नेपाल की, बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की और उनके खामियों की जो वर्ल्ड कप से पहले नजर आ रही है। जी हाँ, इससे पहले हमने कई बार बात करी है नेपाल की, जो भी मजबूत पक्ष रहे हैं, जो उनको वर्ल्ड कप के अगले राउंड में ले जा सकते हैं और क्या नेपाल वर्ल्ड कप के प्ले ऑफ फाइनल में जा सकता है, सेमीफाइनल जा सकता है, किस तरह से अगले राउंड में जा सकता है, इन सारी की सारी चीजों को लेकर। लेकिन आज उन खामियों को लेकर बात करेंगे जिनसे नेपाल को निपटना पड़ेगा जो भी उनके वार्म अप मैचेस हैं उसमें। तो सबसे बड़ा जो उनका पहला ये पहलू है वो है कुशल पुर्तेल। हम सभी को पता है किस तरह के डायनामाइक ओपनर है नेपाल के लिए। एशिया कप में भी हमने देखा था इंडिया के अगेंस्ट किस तरह से जबरदस्त बल्लेबाजी की, जो छक्के लगाए थे मोहम्मद सिराज को, वो पुल शॉट जो खतरनाक तरीके से मारा था, मतलब वो तो एकदम वाव शॉट था और जिस तरह से तेज स्टार्ट दिलाया था। और इसी के लिए कुशल पुर्तेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेपाल के वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। और अगर उनका फॉर्म नहीं सही है तो नेपाल के लिए मुसीबत है। और उनका फॉर्म वाकई में नहीं सही है। अगर लास्ट सीरीज को हम देखेंगे या उससे पहले भी, उससे पहले तो नहीं चल रहे थे, लेकिन लास्ट सीरीज का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वेस्ट इंडीज एक अगेंस्ट आपको याद आएगा, जहां पर कुशल पुर्तेल आते हैं और उनके सिर्फ पहले मैच को छोड़ दें जहां पर वो डबल डिजिट में जाते हैं, उसके अलावा जो मैचेस खेलते हैं वहां पर डबल डिजिट में भी उनका स्कोर नहीं रहता है, सिंगल डिजिट में आउट हो रहे होते हैं लगातार। और शायद एक मैच उनको बैठना ही पड़ता है बीच में, व्हाट आर द रीजन आई डोंट नो, लेकिन यह रहता है कि वो उस मैच में बैठाए जाते हैं। अब वो इंजरी रहती है किस वजह से बैठाए जाते हैं, खैर ये तो नेपाल क्रिकेट को पता होगा अच्छे से, लेकिन फिलहाल उनकी फॉर्म एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। तो अगर अभ्यास मैच में आकर वो फॉर्म हासिल कर लेते हैं तो उससे अच्छी बात कोई नहीं होगी नेपाल के लिए, और अगर नहीं करते हैं तो नेपाल के लिए समस्या है। फिर दूसरा ऑप्शन कौन, ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, लेकिन क्या कुशल पुर्तेल जैसे बैट्समैन मिलेगा जो आकर ताबड़तोड़ आपको स्टार्ट देता है स्टार्टिंग में ही? मैं कहूंगा शायद मिल सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है एज एन ओपनर। नीचे आपके लिए रोहित पॉडल है, दीपेंद्र एरी है, लेकिन क्या एज एन ओपनर वो स्टार्ट देने में कोई कैपेबल है कुशल पुर्तेल के अलावा? तो बहुत कम ऑप्शन नजर आएंगे उस तरह से आपको। इसके बाद अब बात करते हैं दूसरी चीज की, वो है संदीप लामिचाने। हम सभी को पता है कि वो पूरी तरीके से बरी हो गए, कि ये सब कुछ हो गया, लेकिन यूएस एम्बेसी का उनको वीजा ना देना और अभी तक उस पर कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं आया है, तो वो एक चीज है जो नेपाल के फैंस को, नेपाल को जरूर निराश करेगी वर्ल्ड कप से ठीक पहले, क्योंकि अब सब कुछ लग रहा है कि नेपाल के लिए ठीक हो रहा है। और अगर बात करते हैं पिछली सीरीज की, तो भले कुशल पुर्तेल ने रन नहीं बनाए लेकिन अगर एक प्लस पॉइंट नेपाल जोड़ेगी तो वो है उनकी बॉलिंग। बॉलिंग अच्छी की थी और नेपाल एक चीज जोड़ेगी कि वहां पर वो सीरीज में छा करके आए थे, 5 मैच की सीरीज थी T20, 3 हारे थे और 2 मैच जीते थे नेपाल ने, विच इज गुड। और ऐसी टीम नहीं थी नेपाल की ये, कि वो बहुत एकदम यंग टीम है। वहां पर मार्क बयाल थे जो लगातार सीपीएल खेल रहे हैं, वहां पर हम देखेंगे तो जॉनसन चार्ल्स थे जो कि एक अनुभवी वेस्ट इंडियन प्लेयर है, वहां पर हम देखेंगे तो अली कथांजे थे जो इंडिया के अगेंस्ट सीरीज में खेले थे और जबरदस्त प्रदर्शन भी किया था, जो कि 2023 में आई थिंक जुलाई में हुई थी। तो उन सारी चीजों को देखते हुए आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि किस तरह से वहां पर नेपाल ने डोमिनेट किया था, भले ही सीरीज हार गए थे लेकिन वो 2 मैच जीतना वाकई में बहुत ही कॉन्फिडेंस देगा उनको वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन जो संदीप लामिचाने का वीजा ना मिलना है ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है। अगर उनको वीजा मिल जाता है तो इससे अच्छी बात नेपाल के लिए कुछ नहीं होगी। और अगर फॉर्म में उससे पहले फॉर्म में आ जाते हैं कुशल पुर्तेल तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा नेपाल के लिए। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या संदीप लामिचाने वर्ल्ड कप जा पाएंगे, वीजा उनको मिल पाएगा या फिर नहीं? और क्या कुशल पुर्तेल फॉर्म में आ पाएंगे, वार्म अप मैचेस जो भी नेपाल के होने वाले हैं ठीक वर्ल्ड कप से पहले, क्या उन्हें वो परफॉर्म कर पाएंगे और अपनी टीम को एक कॉन्फिडेंस दे पाएंगे या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताइए।